चलो ठीक। प्रेम से बोलते श्री जुगले श्रीकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री माता विद्यादात्री की, जय जय श्री सीता। आइए भगवत श्री सीताराम चरण कमल अनुरागी प्रभागी, आइए भगवत श्री सीताराम चरण कमल अनुरागी प्रभागी हमारे परम पूजनीय बैठे गुरु तुल्य हमारे शिक्षकगण एवं हमारी जहां तक आवाज जाता हो समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आप लोगों से सादर आग्रह किया जाता है, यह सूचना किया जाता है कि हर साल की भांति इस साल भी परमपिता परमात्मा और मां सरस्वती के असीम कृपा होने के बाद आपके कॉलेज मुरसंड में श्रीमद श्री सुंदरकांड की कार्यक्रम रखा गया है। इन भगवान की कथा कीर्तन में आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। समस्त प्रेमी आकर प्रेम से कथा कीर्तन की श्रवण करेंगे और संतों में कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। प्रभात उठाई मेरा आवाज, संतों आज ही भगवान की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, इस कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज के शिक्षक गुरुओं के ऊपर भगवान की कृपा है कि आज हमारे आदरणीय बड़ा बाबू श्री अनिल कुमार जी, जिनके माध्यम से मैं यहां पर आया हूं, बैठे हमारे वीरेंद्र जी, सुनील जी, संजय जी एवं समस्त हमारे सज्जन, मैं सब लोगों से एक विशेष आग्रह कर रहा हूं कि संतों मनुष्य के ऊपर जब जब भगवान की कृपा होता है ना, मनुष्य के ऊपर जब जब भगवान की कृपा होता है तो मनुष्य को भगवान की कथा कीर्तन गाने सुनने और देखने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में आया है। और मैं एक हेडलाइन में और कहना चाहूंगा कि ये मेरा भाग्य हो या फिर दुर्भाग्य समझिए आप लोग, मेरे तरफ से दुर्भाग्य ही रहेगा क्योंकि आज मैं आप लोगों को भी ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। और सब लोग भली भांति जानते हैं कि मेरा कार्यक्रम दूसरी जगह है, लेकिन हमने जब कल यहां क्लास में आया हमने देखा कि हमारे आदरणीय शिक्षकगण मुझे इस शब्द के कहें कि व्यासी आपको आना ही होगा, हर हाल में आना होगा। विशेष हमारे वीरेंद्र जी, सुनील जी और बड़ा बाबू का प्रेशर था कि आपको आना ही है, इसलिए मैं सब लोग का सदा आभारी हूं। मैं जो ही समय लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं, मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि भगवत कृपा बड़ी नसीब से मिलता है, इसलिए आज जो भी समय है इस समय को हम लोगों को गंवाना नहीं है। आइए आज यह सुंदर कांड का कार्यक्रम रखा गया है। संतों सुंदर कांड कोई साधारण कांड नहीं है, सब लोग जान लीजिए, आज जिसका नाम सुंदर कांड है ना, सुंदर कांड कोई साधारण कांड नहीं है, सुंदर कांड इतनी बड़ी कांड है ना, संपूर्ण कांड का निचोड़ सुंदर कांड में लिखा गया हुआ है। क्या व्यास जी, सुंदर कांड में क्या नहीं है,
सुंदर कांड में संसार की सब चीज छुपा हुआ है। सुंदर कांड की इतनी बड़ी कृपा है, तुलसी बाबा रामायण ने स्पष्ट लिख दिए हैं कि ये सुंदर कांड पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, जो व्यक्ति केवल सुंदर कांड को श्रवण करेगा, सुन लेगा, उसके जीवन में क्या होगा। प्रभात भाई मेरा हो जाएगा।